नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। मैं अमृत सेन और आप देख रहे हैं मन की आवाज न्यूज। आइए हम ले चलते हैं आपको पोसालिया के पास रोवाड़ा ग्राम पंचायत में, जहां पर रात्रि में करीब 2 बजे पैंथर, जिसे लोग तेंदुए के नाम से जानते हैं और लोकल भाषा में बाघ कहते हैं, उसने बकरी और भेड़ों पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि रोवाड़ा निवासी नगराम रेवारी के बाड़े में भेड़ें और बकरियां खड़ी थी। रात्रि करीब 2 बजे तेंदुए ने बाड़े में हमला कर दिया। बाड़े में बकरियों और भेड़ों की आवाज़ सुनकर जब रात्रि में नगराम और उसका परिवार और आसपास के लोग उठे और जब उन्होंने बाड़े पर बैटरी किया तो तेंदुआ भाग गया, और जब अंदर जाकर देखा तो करीब 23 भेड़ें मरी हुई थी। इस पर गांव में खबर फैल गई और सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। रोवाड़ा के सरपंच परवत सिंह भी मौके पर पहुंचे, जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे, और सिरोही विधायक सैम लोढ़ा ने टेलीफोन पर सूचना लेकर हलचल लिए और अधिकारियों को निर्देश दिए कि तुरंत प्रभाव से वहां जाकर कार्रवाई करें। टेलीफोनिक आदेश और सूचना पर वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और नगराम को सांत्वना देते हुए उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। वहीं जिला प्रमुख अर्जुन भाई पुरोहित भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी जिला अधिकारी, पशुपालन अधिकारी और उच्च अधिकारियों से बातचीत कर परिवार को अधिकतम से अधिकतम मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए और नगाराम को सांत्वना दी कि आप चिंता न करें, आपको सरकार जितना हो सके उतना मुआवजा देगा। आइए दिखाते हैं पोसालिया से चंपालाल मालिक की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।